शहर में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को सिंडिकेट ऑफिस में गोली मारी गई। इससे यह बात सामने आ गई है कि अब शराब ठेकेदारों में भी अपने क्षेत्रों को लेकर विवाद व गैंगवार जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है। यह शहर में पहली बार है जब शराब ठेकेदारों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद सामने आया है। मुख्य वजह की खोज पुलिस द्वारा की जा रही है तथा इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। दरअसल इंदौर में शराब के सिंडिकेट ऑफिस पर किसी मामले के समझौते के लिए बुलाकर शराब ठेकेदार हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर व गैंगस्टर सतीश भाव ने धोखे से अर्जुन ठाकुर को गोली मारी। सूत्रों के मुताबिक 3 गोली चलाई गई जो अर्जुन ठाकुर की पीठ तथा पेट में लगी। अर्जुन ठाकुर का राजश्री अपोलो में इलाज चल रहा है जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना हुई क्या, पूरा मामला कौन सा ऑफिस था ये? वो नहीं है आपको जो होता है सर, बताएं। गोली चली है, एक शराब ठेकेदार को गोली मारी गई है, सर किस तरह की घटना है सर, कहाँ पर हुई? ये एक शहर, इंदौर शहर के कुछ शराब व्यवसायी हैं, इनकी कुछ आपस में बातचीत के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मारी है। जो घायल हो गए हैं वो राष्ट्रीय अपोलो में अभी भर्ती है, अभी उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और प्रारंभिक तौर पे ये जानकारी प्राप्त हुई है। अभी पुलिस जो प्रारंभिक बातचीत हुई है उसमें 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर हम लोग इसमें प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपियों को हम लोग इसमें गिरफ्तार कर लेंगे। सर कुछ सीसीटीवी डीवीआर भी यहां से जब्त हुए हैं? हाँ, जो घटना के यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग है, इसकी अभी जानकारी प्राप्त हुई है तो उसको भी देखा जा रहा है, उसमें क्या तथ्य हैं उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। जिन्होंने गोली चलाई उनके कुछ नाम सामने आए हैं? अभी प्रारंभिक तौर पर 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, अभी उसकी पुष्टि की जा रही है। सर जिनको गोली लगी उनका कुछ नाम क्या है? जिनको गोली लगी है अर्जुन ठाकुर नाम है उनका। अभी प्रारंभिक तौर पर स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है, अभी और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। कितने राउंड फायर हुए हैं सर? अभी ये इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जा रही है, हॉस्पिटल में हमारी टीम है जो इस बात की अभी जानकारी ले रही है कि क्या और घटनाक्रम हुआ है इसमें आगे। सर बिल्डिंग में तोड़फोड़ भी हुई है, खतरा हुआ था बिल्डिंग तोड़फोड़ के। हाँ, अभी कुछ लोगों ने आकर यहाँ पर
जो घायल पक्ष है उनके लोगों ने आकर यहाँ पे अभी कुछ पत्थरबाजी की है।